युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश महासचिव बड़वानी पहुंचे। महासचिव ने कहा कि नई टीम दमदारी से कांग्रेस में जान फूंकने का काम करेगी, साथ ही भाजपा की जन विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर सेंधवा निवासी नवनिर्वाचित प्रदेश महासचिव अभिषेक ठक्कर पहुंचे। उन्होंने जिले की नई टीम को लेकर कहा कि सभी दमदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे। ठक्कर ने कहा कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के मार्गदर्शन में कांग्रेस मजबूत होगी और नए दिशा निर्देश के साथ उभर कर सामने आएगी। बड़वानी से अतुल कुमाउत की रिपोर्ट। क्या नाम है आप? अभिषेक ठक्कर। ठक्कर जी, यूथ कांग्रेस इलेक्शन हुए थे, जिले में टीम बनी है, किस तरीके की टीम बनी? ये बहुत ही मजबूत टीम बनेगी मेरा जहाँ तक के मानना है, और जिस हिसाब से आज के इस दौर में जो ये इलेक्शन होने वाला था पहले 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले, उसके बाद में इसको विधानसभा चुनाव को अंतर्गत इसको दूर किया गया और उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया। फिर ये आया फरवरी 2020 में, मार्च में इसकी वोटिंग होना थी लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, किन्हीं कारणों से जो उथल पुथल राजनीतिक मध्य प्रदेश में हुई उस कारण से वो उथल पुथल हुआ और अभी ये चुनाव हुआ है। तो बिल्कुल निश्चित ही ये नए जाबाज साथियों की टीम बनेगी, क्योंकि इतना बड़े संघर्ष के बाद में, इतनी राजनीतिक अस्थिरता के बाद में ये जो नए लोगों ने जोश दिखाया है, जिस प्रकार से मतदान किया है और जो बढ़ चढ़ के यूथ कांग्रेस के प्रति युवाओं का रुझान आया है, तो उससे इस बात को निश्चित हम लोग मान सकते हैं कि बिल्कुल एक जाबाज टीम इस जिले में, बड़वानी जिले में बनने वाली है। युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? बिल्कुल फूंक पाएंगे। वो एक हमारे आदिवासी लीडर हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं और स्वयं राजनीतिक सूझबूझ वो रखते हैं, माननीय विक्रांत भूरिया जी, और निश्चित तौर पर बड़ी दमदारी के साथ में वो काम करेंगे और ख़ास करके हमारे आदिवासी अंचल में जो बिल्कुल सपोर्टर है कांग्रेस पार्टी का, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर और दोगुनी ताकत के साथ में कांग्रेस पार्टी काम करेगी, यूथ कांग्रेस को साथ में। अभी सरकार कांग्रेस की गिरी है, अब ऐसे में नई रणनीति क्या रहेगी आगे यूथ कांग्रेस के लिए? जो भी जन विरोधी नीतियों को ये भाजपा सरकार लागू करने की कोशिश करेगी, जिस प्रकार से किसान भाइयों के साथ में दमन हो रहा है, आदिवासी किसान भाइयों का दमन हो रहा है, तो पुरजोर तरीके के साथ में इस प्रकार की नीतियों का हम विरोध करेंगे और हम सामने खड़े रहेंगे इस भाजपा सरकार के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।